हेलो गाइस, तो आज मैं इस होप प्लांट का कटिंग करने वाला हूँ। तो गाइस अभी इसका कटिंग करते हैं। तो ये गाइस नीचे से पूरा स्टैंड को कवर कर लिया था, पूरा नीचे तक आ गया था, तो इसके नीचे कुछ भी आके छिप सकता है, तो इसकी वजह से ही मैं नीचे से कटिंग करने वाला हूँ। तो इसका कटिंग करने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अभी गाइस इसका कटिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका लगाने का टेक्निक भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो गाइस अगर नए आए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अभी स्टार्टिंग करते हैं। तो नीचे से जो कंटेनर का जिस लेवल से उसके थोड़े से नीचे से मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगा, तो इधर पूरा लेवल में पूरा कटिंग कर दूँगा चारों तरफ से, तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और नीचे का स्टैंड भी दिखेगा तो और भी अच्छा लगने वाला है। तो अभी जल्दी से जल्दी इसको कटिंग कर लेते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइस हमारा कटिंग लगभग हो ही चुका है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अभी, बहुत ही सुंदर छोटा छतरी जैसा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। और जो वेस्टेज पार्ट है इसको हम दूसरा टेक्निक से लगाने वाले हैं, और इसका बहुत ही आसान तरीका है उगाने का, छोटा छोटा ऊपर से काट के भी लगा देंगे तो हो जाता है। तो ये गाइस देख सकते हैं एकदम छतरी जैसा लग रहा है, एकदम ऊपर पूरा आइलैंड टाइप का लग रहा है, पूरा गजब टाइप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा अच्छा टेक्निक से लगाने वाला हूँ इसको, जैसे दीवार से पानी गिरने वाला टेक्निक, पूरा नेस से नीचे आएगा, बहुत ही झरना टाइप का वैसा बनाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा अच्छा गार्डनिंग टेक्निक दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस मिलते हैं, बाय बाय।